गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पीछे कपड़े सूख रहे हैं, बारिश का मौसम था और मेरी प्यारी सी बीवी मेरे लिए नाश्ता बना के ला रही है। मैं काम नहीं कर रहा था, उससे उसका मन होता था वो बनाती है, ऐसे नहीं बनाती है। हाउस हेल्प्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड नो मैटर व्हाट। कई सारे टॉपिक्स पे चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है यार, नहीं तो लोगों को लगता है ना कि वो सही कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनकी रूटीन में ना बहुत सारा फ़र्क रहता है, बट फिर भी उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब कि आपको मैं कुछ बताऊँ कि आपको चेंज करना है, आप उसको मानते नहीं हो। कई सारे लोग ऐसे नहीं मानते, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज तो सबके साथ ही होता है। फैक्टर्स क्या हैं, जैसे डाइट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको सब्जियां खानी हैं तभी आप वेट लॉस कर पाओगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ ना, आज मैं नाश्ते में ले रहा हूँ 3 टाइप का चिल्ला। एक आटा का चिल्ला, एक सूजी का चिल्ला, एक बेसन का चिल्ला। ये तीनों टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, चिल्ला जिनको हम बोलते हैं, ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। आप इनको अपना ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो जब भी आपको चाहिए। प्लीज़ इग्नोर दिस पैंट, आई नो सूख रहा, उपाय नहीं है, जगह नहीं है दूसरा मेरे पास। ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो एंड यू कैन हैव देम, इट्स वेरी हेल्दी, वेरी नाइस। पूरा इंस्ट्रक्शन देते हुए वाओ, और इसके साथ यू कैन हैव कॉफ़ी। लॉट्स ऑफ वेजीज, बहुत अच्छा बना है। सूजी वाला स्पेसिफिकली बहुत टेस्टी बना है। अभी अपन ब्रेकफास्ट करके चलेंगे जिम। क्या वर्कआउट करेंगे? आज संडे है पर मैंने कल रेस्ट ले लिया था, मेरे को आज वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। नेवर मिस योर वर्कआउट। अभी हाल ही में एक बहुत चीज़ फेमस हो रही है या वायरल हो रही है कि ट्रेडमिल पे भागते वक्त हार्ट अटैक बहुत आ रहे लोगों को। तो हार्ट अटैक आने का बहुत सारा रीज़न है यार। तुम कुछ एक्टिविटी कर रहे थे तब तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी करते वक्त तुम्हारा बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा था, तुम्हारे शरीर में और भी क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थे, ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, तब आप किसी भी चीज़ को कंक्लूजन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी करते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है। तो मेरे को भी कई सारे बंदे पूछते हैं, भैया ट्रेडमिल पे ज़्यादा भागने से हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, तो जो लोगों के साथ हो रहा है उसको बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। बट अगर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ भी होगा। आप अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दें, डाइट पे ध्यान दें, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आज के टाइम पे कराना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 साल में एक बार बढ़िया से चेकअप अपना करा लिया करो, चाहे तुम कोई भी एज ग्रुप के हो। ऐसा नहीं है तुम बच्चे हो तो तुम बीमार नहीं हो सकते, बहुत जरूरी है। आई एम डन बेबी प्लीज, ओके वन मोर। थोड़ा सा हाई इन कैलोरीज होता है पर चलेगा, थोड़ा सा हाई इन कैलोरीज है पर चलेगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम हैं अपने जिम में, आज हम करेंगे अपर बॉडी वर्कआउट। क्यों अपर बॉडी करेंगे? वैसे आज मेरे को लेग्स करना था बट छोटी सी इंजरी है पैर में, लेग्स नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? इंजरी को अवॉइड करना सीखो।
मेरे साथ अगेन इंजरी क्यों हुई, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब बॉडी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, कई सारे वर्कआउट्स के छोटे 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 क्लिप्स में आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप अपने वर्कआउट में इसको डाल सकें। आराम से वार्म अप के डालें हमेशा, जितना अच्छे से आप वार्म अप करेंगे उतना बेटर होगा आपके मसल्स के लिए। सेकंड सेट आपको वेट्स उतने ही लगाने हैं जितने आप संभालोगे, अननेसेसरी, क्योंकि मेरे पास हेल्प नहीं है। अगर स्पॉटर है आपके पास तो आप थोड़ा एक्सेसिव वेट जा सकते हो, बट अकेले हो तो जितना संभालो उतना ही लगाओ, बेटर वर्कआउट होगा, अच्छा वर्कआउट होगा। विश्व इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं वेट खोज पाऊँ बना कर, क्योंकि आज संडे है, जिम बहुत गंदा है। कैमरा का पोजीशन सेट, तो अपन ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, बात करेंगे और रुक जाते हैं। सेकंड सेट मसल का कोई भी रिएक्शन आपको रेस्ट के दौरान ही मिलता है। आप चाहे उसको डेवलप करना चाहते हो या फैट लॉस करना चाहते हो, वो रेस्ट के दौरान ही होता है। तो कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं आके, लेकिन अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम नहीं होता उनका वर्कआउट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी वर्कआउट करिए, रेस्ट दीजिए। आप एक सेट लगाए, गिव इट रेस्ट, ठीक है। फैट लॉस वालों को भी वही बता रहा हूँ और मसल बिल्डिंग वालों को तो बताना ही है, ठीक है। थर्ड सेट इन द फाइनल वन,
जिस दिन आप अपर बॉडी वर्कआउट करो ना, मेक श्योर कि सारे टाइप के जो प्रेस हैं वो आप उस दिन कवर करो. इट कैन बी शोल्डर प्रेस, इट कैन बी डंबल प्रेस, इट कैन बी बेंच प्रेस. तो ये नहीं कि मतलब सारे के सारे करने हैं. चूज योर एक्सरसाइज कि यार आज मैं अपर बॉडी करूँगा, यानी मैं शोल्डर प्रेस करूँगा, मैं बेंच प्रेस करूँगा फ्लैट, ठीक है, मैं शोल्डर प्रेस खत्म करूँगा, मैं शोल्डर ओवरहेड प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, डंबल प्रेस फ्लैट कर सकता हूँ, डंबल प्रेस इंक्लाइन कर सकता हूँ, इसके बाद थोड़ा बहुत चेस्ट फ्लाई कर सकता हूँ, बाइसेप्स कर्ल लगा सकते हैं. तो अपने वर्कआउट को कैसे शेड्यूल करना है ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अपने बॉडी को ग्रो कर पाओगे. मैंने देखा है लोग आते हैं जिम में आने के बाद सोचते हैं कि यार आज सोच रहा हूँ ना कि आज ये कर लेता हूँ. दिस इज नॉट द परफेक्ट वे. ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको अपना वर्कआउट प्लान रखना चाहिए, या तो फिर एक रूटीन बनाओ, अपने ट्रेनर से रूटीन लो, अपने आप वर्कआउट को शेड्यूल करो कि यार आज मेरे को ये एक्सरसाइजेस हैं, मेरे को इतने ही करना है, इससे आगे मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो. एक्सरसाइज सेकेंड वन ये रहेगा अपना डंबल इंक्लाइन प्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए, करना चाहिए, बहुत जरूरी है. इंक्लाइन बेंच भी लगा सकते हो, दोनों का काम अलग है. अपन आज डंबल लगाएंगे. मैंने बेंच को थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन कर रखा है, इसका एक रीज़न है, मैं अपने एक्सट्रीम अपर चेस्ट को टारगेट कर रहा हूँ. अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा वापस, विच शुड बी द एक्चुअल इंक्लाइन. वाई मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया इसको हर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा, तभी आप तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे. खड़े होकर भी करते हैं, मैं बैठ के करता हूँ. मेरे पास रहता है कि मैं बैठ के बहुत अच्छा फॉर्म लगा पाता हूँ, तो मैं बैठ के करता हूँ. ये एक्सरसाइज हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साइड शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करनी चाहिए.
कि अपर बॉडी वर्कआउट इज नेवर कंप्लीट विदाउट रियर शोल्डर्स. आपको एक 3D शोल्डर्स अगर चाहिए ना तो आपको अपने रियर शोल्डर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. रियर शोल्डर्स के लिए कई सारे एक्सरसाइज हैं ऐसे तो फेसपुल वगैरह हैं, लेकिन सबसे सिंपल एक्सरसाइज है अगर आप बेंड ओवर रियर पुल करें तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है रियर शोल्डर्स के लिए. फिर गिव यू अ वेरी पावरफुल रियर शोल्डर और ओवर शोल्डर्स का लुक चेंज हो जाता है. तो यू जस्ट नीड टू बेंड डाउन और डंबल्स को पीछे पुल करना है.